अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। जैसे कि हमने कल एक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा, आज इसी तरह हम पढ़ेंगे जो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इंसानों के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है। कल मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता जिसके जरिए से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ह्यूमंस और दूसरे हायर एनिमल्स के पास स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके जैसे गैसों का तबादला होता है। अब हम गैसियस पार्ट्स के बारे में करेंगे। वी कैन डिवाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। द एयर पासेज वे, हवा के गुजरने का रास्ता, और दूसरा पार्ट जो है वो है लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े। द एयर पासेज वे, हवा का रास्ता क्या होता है? द एयर पासेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। एक ऐसा रास्ता है जो मुश्तमिल होता है उन हिस्सों पर जहाँ से हवा हमारे लंग्स में इंटर होती है, और जब इसका तबादला हो जाता है तो दोबारा बाहर भी हवा खारिज होती है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन दाखिल होती है, तो पासेज वे यानी कि हवा के रास्ते से ऑक्सीजन दाखिल हुई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके बदले में निकली। तो ये जो पासेज वे है, ये जो रास्ता है, तमाम हिस्से हैं, इनको हम कहेंगे द एयर पासेज वे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम एयर पासेज वे के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी आपको। द एयर पासेज वे ऑफ पासेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, सबसे पहले नेसल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, फेरेंक्स, लेरंक्स, ग्लोटिस, वोकल कॉर्ड, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। सबसे पहले जो डिस्कस करें वो है नेसल कैविटी। नेसल कहते हैं हमारे नोज से रिलेटेड, और कैविटी कहते हैं खाली जगह को। नेसल कैविटी यानी कि हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह है उसे कहते हैं नेसल कैविटी। द नोज इनक्लोजेस द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी डिवाइड इंटू टू पार्ट्स बाय अ वॉल। नेसल कैविटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है एक वॉल के जरिए से। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय अ फाइन हेयर एंड म्यूकस। जब ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है तो हर पोर्शन के पास एक फाइन हेयर की लाइन होती है एंड म्यूकस, और म्यूकस होता है। एयर फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर एंड म्यूकस मॉइस्चर एंड फॉर्म्स। एयर फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स, हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एयर फिल्टर कर देते हैं डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम एयर। हवा में मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर उनको फिल्टर करते हैं, और जो म्यूकस होता है वो नमी वाला हवा को नमी वाला बना देता है और गर्म कर देता है, ताकि जो इस बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, हवा को टेम्परेचर को बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के बराबर किया जा सके। म्यूकस मॉइस्चर द वार्म द एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू डैट ऑफ द बॉडी। म्यूकस क्या करता है, उसको गर्म करता है, और मॉइस्चर करता है, गर्म इसलिए करता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो सके, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब हम बाहर हमारे सर्दी का मौसम हो तो बाहर सर्दी की वजह से जो है वो टेम्परेचर कम होता है। लिहाजा जो म्यूकस है वो हवा को गर्म करता है ताकि इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे, इंटरनल टेम्परेचर में कोई भी फर्क ना आए। दूसरा जो पोर्शन, नेक्स्ट जो है पार्ट है वो है नोस्ट्रिल्स। इट ओपन टू द आउटसाइड, यानी कि नेसल कैविटी बाहर की तरफ जिस जगह पर खुलती है थ्रू द ओपनिंग कॉल द नोस्ट्रिल्स, उसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं। यानी कि बाहर वाली साइड पे हमारी इन्वायरमेंट वाली साइड से जो रास्ता है जहाँ से नेसल कैविटी ओपन होती है उसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट पोर्शन है फेरेंक्स। नेसल कैविटी ओपन इनटू द फेरेंक्स बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग। नेसल कैविटी इनर साइड पे जहाँ पे ओपन होती है वो है फेरेंक्स, ठीक है। मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग, इसकी दो छोटी ओपनिंग है जिसे कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। यानी बाहर वाली साइड को सिर्फ नोस्ट्रिल्स कहते हैं, और इनर वाली साइड पे जहाँ पे ओपन होगी वो फेरेंक्स में ओपन होगी, और वो ओपनिंग का जो रास्ता है उसे कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इट इज़ अ मस्कुलर पासेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, देन एयर इंटर लेरंस। क्या है कि ये एक मसल से बना हुआ रास्ता है, और ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि खुराक भी यहाँ से गुजरती है और हवा भी यहाँ से गुजरती है। हवा गुजर के हवा वाली नाली में चली जाती है, और खुराक गुजर के खुराक वाली नाली में चली जाती है, देन हवा जो है वो लेरंस में इंटर होती है। नेक्स्ट है ग्लोटिस। ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग, ये एक बहुत तंग ओपनिंग है, एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स की फ्लोर पर, विच लीड्स इनटू लेरंक्स, जो लेरंक्स को
लीड करती है। जैसे कि फेरेंस से जब हवा लेरेंस में इंटर होनी है तो उसके दरमियान में एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे कहते हैं ग्लोटिस, ये लीड करती है हवा को और ये एक ऐसा है कि जो क्या कहते हैं कि जो खुराक को हवा वाली नाली में नहीं जाने देता और हवा वाली नाली में जो हवा है उसे जो है वो खुराक वाली नाली में इंटर नहीं होने देता, यानी कि दोनों में डिफरेंस करता है एक जो है वो स्टॉप और इनका काम करता है लेरेंस। द लेरिंग्स इज अ बॉक्स, एक बॉक्स की तरह है मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आपको पता है हमारी हड्डी जैसे बोन होती है इसी तरह कार्टिलेज है, लेकिन कार्टिलेज बोन की तरह हार्ड नहीं होता। हमारे जो ईयर हैं, ईयर की आप देखें कि हम ईयर को अपने को जो है वो कर सकते हैं कि आगे पीछे, या हम उसको पकड़ के जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, यानी सॉफ्ट होता है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। तो जो लेरिंग्स है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इट प्रेजेंट बिटवीन फेरेंस एंड ट्रेकिया, ये ट्रेकिया और फेरेंस के दरमियान मौजूद होता है। ट्रेकिया हवा की नाली को कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और इसे वॉइस बॉक्स यानी कि आवाज़ का खाना भी कहते हैं। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड। टू पेयर ऑफ फिब्रस बैंड, फिब्रस मतलब धागे की तरह के बैंड का जो दो पेयर होते हैं कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, उन्हें वोकल कॉर्ड कहते हैं। आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंक्स, जो लेरिंक्स के दरमियान स्ट्रेच मतलब खींचते हैं। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, जब हवा इनमें से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि ये तने हुए होते हैं, खींचे हुए होते हैं लेरिंक्स के दरमियान, तो इनके खींचने की वजह से जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तो ये वाइब्रेट करेंगे, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, तो वही वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, हवा कैसे पैदा, आवाज़ कैसे पैदा होती है, तो यहाँ से आपका आंसर होगा द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। पेज नंबर 5 पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो नाक के अंदर का ये हिस्सा है, यानी कि ये खाली जगह होती है, इसे नेजल कैविटी कहते हैं। ये इसकी बाहर वाली साइड पे ओपनिंग को नोज, नाक के अंदर ये जो खाली, इसे नेजल कैविटी कहते हैं। उसके बाद जो है ये बाहर वाली साइड पे जो ओपनिंग नोस्टिल्स हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स से जो ये जो है नेजल कैविटी ओपन होती है, ये इंटरनल नोस्टिल्स हैं यहाँ पे, ये फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद जो है आगे आपको ग्लोटिस भी दिखाई दे रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ट्रेकिया है। थैंक यू वेरी मच।